जालोर महोत्सव के तहत साहिला में जलसो साहिला और 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। जालोर महोत्सव 2024 के तहत साहिला उपखंड मुख्यालय पर जलसो साहिला और 2 दिवसीय कार्यक्रम का शनिवार को उपखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में अतिथियों द्वारा माँ शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महोत्सव का शुभारंभ विद्याता पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय केसवना के विद्यार्थियों द्वारा हम कथा सुनाते श्री राम की प्रस्तुति के साथ किया गया। वहीं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने घूमर सहित राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं ढोल व थाली की धुन पर साहिला की सुप्रसिद्ध डबल गहर के गहरियों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी। उसके बाद असाडा की सुप्रसिद्ध गहरियों द्वारा आंगी गहर का नृत्य किया गया। कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य भी प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट ने जलसो साहिला महोत्सव की हो रहे आयोजित की विस्तृत जानकारी दी एवं कार्यक्रम में अर्थबल से सहयोग करने वाले भामाशाहों को प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कलश यात्रा का शुभारंभ खेल मैदान से हुआ। कलश यात्रा में सबसे आगे अश्व पर सवार होकर बालिकाएं वीरांगनाओं की भूमिका निभाते हुए सिर पर पगड़ी बांधे हुए हाथों में तलवार लिए चल रही थी। उसके बाद सिर पर कलश धारण कर राजस्थान की शोभा बढ़ाते हुए पारंपरिक वेशभूषा पहनकर बालिकाएं चल रही थी। वहीं शोभा यात्रा पुराना बस स्टैंड पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा साहिला की ऐतिहासिक डबल गेयर की नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा खेल मैदान से रवाना होकर पंचायत समिति ब्रह्मपुरी शांतिपुरा पुराना बस स्टैंड से होती हुई ओटवाला मार्ग स्थित अंबे माता मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा में सुसज्जित ऊंट घोड़े रथ पंजाबी ढोल सहित रथ में रामलला की सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के बाद खेल मैदान में रच्चा कच्ची प्रतियोगिता सतोलिया प्रतियोगिता विभिन्न दौड़ वॉलीबॉल प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंच संचालन नवाराम सुतार व भिखाराम जिनगर ने किया। वहीं शाम को खेल मैदान में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित तहसीलदार हीर सिंह चारण थानाधिकारी हुकमगिरी विकास अधिकारी मनमोहन मीणा पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी भाजपा मंडल अध्यक्ष नैनमन लखारा उपखंड समन्वयक राजेंद्र माहेश्वरी सह समन्वयक रूप किशोर अग्रवाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवरलाल परमार उप सरपंच प्रकाश मेघवाल पूर्व उप सरपंच विक्रम सिंह दहिया ग्राम विकास अधिकारी मनमोहन प्रजापत पटवारी परमेश्वरी पटवारी हरदानाराम देवासी भामाशाह जामताराम माली उदय सिंह दादाल शैतान सिंह थलवाड़ पारसमल माली मुकुंद दवे सुरेंद्र सिंह रावणा नैन सिंह सोहान व छत्राराम दुधवा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे।